दीदी, अगर मेरे पीरियड्स आ गए और मेरे पास पैड ना हो तो क्या करूं? अगर पैड नहीं हुआ तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम ऐसे में क्या कर सकती हो। अगर तुम घर पर हो और तुम्हारे पास पैड ना हो तो मम्मी या पापा से पैड मांग लो। अगर स्कूल में हो तो अपनी सहेली या टीचर से पैड मांग लो। और अगर बाहर हो तो ऐसे में तुम चार चीजें कर सकती हो। पहला, आसपास किसी आंटी या दीदी से पैड मांग लो। दूसरा, कुछ दुकानों में या पब्लिक वॉशरूम में कभी कभी पैड के डिस्पेंसरी बॉक्स की सुविधा होती है, तुम वहां से पैड लेकर इस्तेमाल कर सकती हो। तीसरा, आसपास किसी दवाई या किराने की दुकान से पैड खरीद सकती हो। चौथा, अगर किसी के पास पैड मौजूद ना हो तो ऐसे में तुम अपने लिए थोड़े समय तक चलने वाला पैड बना सकती हो। वॉशरूम में रखे टॉयलेट या टिश्यू पेपर्स को एक के ऊपर एक रखकर उसे गद्देदार पैड की तरह बना लो। तुम उसे अपने अंडरवेयर में लगा सकती हो, पर इसे ज्यादा समय के लिए इस्तेमाल मत करना। पीरियड आने पर ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए एक छोटे से बैग में साफ अंडरवेयर, 2-3 पैड और कुछ टॉयलेट पेपर रख लो। बैग ऐसा हो कि जब भी तुम बाहर जाओ तो इसे आसानी से अपने साथ ले जा सको, ताकि पीरियड आने पर तुम झट से इसका इस्तेमाल कर सको। समझ गई दीदी, थैंक यू।